तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं ऐसे हैं कि उन्होंने मेरे को काफी बार पूछा भी है कि भैया हम लॉगिन करते हैं जो फर्स्ट टाइम जो ज्वाइनिंग करते हैं हमारे एमबीए बिजनेस, तो उसमें लॉगिन करने में बड़ी तकलीफ होती है उनको। लॉगिन करने में क्या तकलीफ होती है, जहाँ पे हमारे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं एमबीए बिजनेस के अंदर जो लॉगिन करते हैं, तब एक में आईडी कॉन्टेक्ट नंबर डालना होता है, एक में आईडी नंबर डालना होता है। अब 6 दिसंबर 2019 के बाद में जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है उनके लिए तो है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और पासवर्ड डालना होता है, और 6 दिसंबर 2019 से पहले की जितनी भी ज्वाइनिंग हैं जो पुराने लीडर्स हैं उनके लिए होती है हमारी आईडी नंबर और पासवर्ड, ये डालना होता है। जितने भी हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको पता है, लेकिन बहुत सारे जो नए हमारे जो कस्टमर्स बनते हैं या पार्टनर एडीआर बनते हैं वो काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया हम किस पे कौन से ऑप्शन पे डालें, आईडी नंबर पे डालें या कॉन्टेक्ट नंबर पे। तो आज ही हम क्लियर करने वाले हैं कौन से के ऊपर अपने को डालना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बार बार आपको कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं रहेगी कि अपन कॉन्टेक्ट नंबर डालें या आईडी नंबर डालें। तो चलिए बने रहिए इस चैनल के साथ में, हम पूरा आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ये एप्लीकेशन स्पेशली लॉन्च हुआ है। यहाँ पे अपन डालेंगे एमबीए इंडिया एप्स, तो प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, अपन प्ले स्टोर पे आए हैं और यहाँ पे मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे पासवर्ड सेटअप कर लिया होगा आपने, तो पासवर्ड सेटअप कर लिया है तो यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पहले से अपने को टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा, एग्री करना होगा, फिर बाद में साइन इन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही अपने को दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल नंबर और एडीआर आईडी नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात ये होती है, 6 दिसंबर 2019 से बाद की जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है उनके लिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है, यहाँ पे पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है, और अगर 6 दिसंबर 2019 से पहले की ज्वाइनिंग है तो यहाँ पे आईडी नंबर डालना होता है। अब ये 2019 से पहले की है तो अपन यहाँ पे आईडी नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, यही चीज़ समझने की है फ्रेंड्स। तो यहाँ से अपन लॉगिन करते हैं, साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह से अपना इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा प्रोसेस टाइम ले रहा है इसमें। तो अब ये खुलने वाला है लगभग, तो फ्रेंड्स इस तरह से अपना इंटरफेस खुलता है, जो एप्लीकेशन है हमारा एप्स है एमवे इंडिया का, ये बार बार में अपडेट होता रहता है तो इसका वर्जन अपडेट करते रहें। यहाँ पे अपने को प्रमोशन दिखाई देता है सबसे फर्स्ट में, तो यहाँ पे प्रमोशन पे क्लिक करेंगे तो अपने को जितने भी ऑफर्स आते रहते हैं जिस महीने में वो ऑफर्स यहाँ पे अपने को शो करता रहता है। तो यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट अपने ऑफर्स चल रहे हैं वो प्रमोशन चल रहे हैं वो यहाँ पे अपने को दिखाई दे देंगे। तो चलिए अपन बैक करते हैं, ये तो अपना ऑफर करा, आज हम दो ही चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो गाइज अपन इसको यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पे अपन तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको कोने के अंदर, एमवे के पास में लिखा हुआ आ रहा है, तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपन ऑर्डर डालते हैं। सिंपली ऑर्डर डालने का जो तरीका है, यहाँ पे अपन शॉप बाय कैटेगरी ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि आप डॉट देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अपने को कैटेगरी दिखाई दे रही है 5, न्यूट्रिशन ब्यूटी पर्सनल केयर होम केयर और होम लिविंग और मोर प्रोडक्ट। मोर प्रोडक्ट के अंदर अपने एग्रीकल्चर के भी आते हैं और ओलिव ऑयल का आता है, 3-4 प्रोडक्ट इसके अंदर डले हुए हैं। तो चलिए अपन देखते हैं शुरुआती दौर में कोई सा भी एक प्रोडक्ट ओपन ऑर्डर डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे पर्सनल केयर पे ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने को परसोना का देखते हैं, आमला ऑयल डाल के देखते हैं। ज़्यादातर आमला ऑयल, जैसे मान लो छोटे स्तर पे अगर कोई बिजनेस करता है तो आमला ऑयल की अपन बात करें तो आमला ऑयल के ऊपर परसोना के ऊपर अपन क्लिक करते हैं। परसोना पे क्लिक करेंगे तो अपन को यहाँ पे परसोना की जितनी भी कैटेगरी है, जितने प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे अपने को दिखाई देंगे। तो यहाँ पे टेलकम पाउडर आ गया, साबुन आ गया और ब्रश आ गई, तो अपना आमला ऑयल है वो भी नीचे है, वो भी आ रहा है। चलिए आमला ऑयल देखते हैं अपन, ये ग्लिसरीन का है अपना और ये आ गया आमला ऑयल। तो आमला ऑयल के ऊपर अपन जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट की प्राइस प्लस टैक्स दोनों दिखाई देगा और यहाँ पे अपन एक लेना चाहे तो दो, एक या दो लेना चाहे तो प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो दो हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट के ऊपर जैसे अपन क्लिक करते हैं करेंगे तो टोकरी के अंदर ये चला जाएगा, यहाँ से अपन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मैं सिंपली आपको मोटा मोटा दिखा रहा हूँ, आप आज ज़्यादा कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ इसके अंदर, सिर्फ जो मेरे पास कमेंट आई है कि भैया हम लॉगिन कैसे करें और ऑर्डर एप्लीकेशन पे कैसे डालें, तो ये सिंपली तरीके से मैंने बताया है। यहाँ पे हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑर्डर डाल सकते हैं, और अगर आप गूगल क्रोम के ऊपर भी डालना चाहें तो गूगल क्रोम से भी ऑर्डर डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे को बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट और जो भी है अपना जो बिजनेस का जितना भी है लेखा जोखा यहाँ से अपन देख सकते हैं, लेकिन उन सब के ऊपर अपन नहीं चलने वाले, इन सब की चर्चा करने वाले नहीं है, सिर्फ अपने को यही करना। और एग्रीकल्चर का जो है यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो गाइज ये था दो तरीका मैंने बताया है
लॉगिन कैसे करना है और अपन ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं। यहाँ से अपन लॉग आउट कर देते हैं इसको। तो गाइज अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे वीडियो हम और लाते रहेंगे, जब तक बने रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू।